जैसे अभी हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इसका स्पीड स्लो हो गया, लोगों के मन में डर पैदा हो गया। और देखिए हम अभी क्लाउड के अंदर जा रहे हैं, दिखाता हूँ। अब हम देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्लाउड के अंदर से, बार बार कान बंद हो रहे हैं और बार बार आपको कान अंदर से खोलना पड़ रहा है। और इसीलिए थोड़ा सा अगर कमजोर दिल वाले आप हो तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द बैकपैकर गाइड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं दिल्ली से नेपाल आया हुआ हूँ, और इस विज़िट में, मैं नेपाल के विज़िट में, मेरे को अभी एक बहुत ही लेटेस्ट एक यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिली, जो नेपाल में घुसते ही अबाउट 20 किलोमीटर्स है सुनौली बॉर्डर से, एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा शहर है बुटवल। और यहाँ पर एक बहुत ही लेटेस्ट अट्रैक्शन है जो कि एक केबल कार है, और ये केबल कार काफ़ी सुंदर है और बहुत ही लेटेस्ट बना है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये पूरा जो केबल कार है काफ़ी बढ़िया है। और अभी मैं इसमें गया नहीं हूँ, अभी मैं इसमें जाऊँगा और मैं आपको वो सब दिखाऊँगा कि वो केबल कार कैसी है, कितना इसका डिस्टेंस कवर करते हैं हम, और हम कितने हाइट पर इसमें चढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ना ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अगर हो सके तो एक लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. सो फ्रेंड्स, इस केबल कार से हम ऊपर मंदिर के एक दर्शन करते हैं, जो कि लेटेस्ट एक नया मंदिर बना है। मंदिर में आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा, और उस मंदिर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ ऊपर जाके शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग में जो हम जब चलते हैं तो इसका 750 रुपीज़ नेपाली करेंसी में नेपालियों के लिए है, और 750 रुपीज़ इंडियन करेंसी फॉर इंडियंस है ये। बाकी जो इसका जो टिकट के जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पर भी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पर आपको ये टिकट लेने पड़ेंगे। और समटाइम्स कभी यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह भी चलते रहते हैं, ऑफर्स चलते रहते हैं, तो अगर आप लकी रहे और आप जब यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो एक बार आप अपने डिस्काउंट वगैरह ऑफर्स के बारे में पूछ लीजिएगा। I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never. तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो केबल कार है ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। सेफ्टी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है, तो मैं भी आपको अंदर कंट्रोल रूम से दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है और इस तरह को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो अभी हम अभी कंट्रोल रूम के अंदर चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ का कंट्रोल रूम है, और हम बहुत शॉर्ट में इस पूरे केबल कार के बारे में जानेंगे और ऊपर जो मंदिर है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप हिंदी में बोल लेते हैं? हाँ। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि जैसे देखने में लग रहा है ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो बोलते हैं इक्विप्ड ये केबल कार दिख रहा है देखने में, क्योंकि मैंने इंडिया में भी देखे कुछ केबल कार जो कि इतने अच्छे, मतलब इतने हाईटेक नहीं थे। तो ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ शॉर्ट में आप बता सकते हैं? ये ऑस्ट्रिया कंपनी के, ऑस्ट्रिया देश के, वो टोपलमेयर कंपनी के एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा टेक्नोलॉजी अभी नेपाल में कहीं भी नहीं है, ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी है। और ये जो डिस्टेंस हम जो कवर करते हैं इस केबल कार में, कितना मिनट का डिस्टेंस होगा, कितने मीटर में होगा ये डिस्टेंस? यहाँ टॉप स्टेशन से, बॉटम स्टेशन से टॉप स्टेशन तक करीब 2600 मीटर है। 2600 मीटर है। और इसको टाइम कितना लगता है?
नॉर्मली 10 to 12 मिनट। ओके, ये जो पूरा जो ये होगा ये 10 से 12 मीटर का होगा और 2600 मीटर हम इसमें कवर करते हैं। तो डिस्टेंस काफ़ी, मतलब जो ऊंचाई है काफ़ी है, मतलब काफ़ी ऊंचाई है, मतलब अगर एक तराई एरिया के हिसाब से ऊंचाई काफ़ी है, तराई एरिया के हिसाब से ऊपर बहुत काफ़ी है। और जो पूरा जो कंट्रोल करते हैं वो इसी कैबिन से करते हैं या ऊपर से अलग होता है या इसे कोई मास्टर कैबिन अलग है कुछ ऐसा? ये मास्टर कैबिन यहाँ पे है इसका। okay. जो केबल कार संचालन के मास्टर स्टेशन यहाँ पे है। ओके, और ऊपर भी सेम ऐसा ही है, वहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है। ओके, और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है। दोनों तरफ से होता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि ऐसा माल फंक्शनिंग या मिसकम्युनिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सेफ है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बना हुआ है और ये आकर जरूर एक्सप्लोर करने लायक जगह है ये। तो दोस्तों, जैसे अभी इन्होंने भाई ने बताया, ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ केबल कार है, बहुत ही सेफ़ है। हमने कुछ इंसिडेंट अभी रिसेंटली सुने थे हमने, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वैसा केबल कार बिल्कुल भी नहीं है ये, बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस इसको बोला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सुनौली बॉर्डर के आसपास हैं, ये कहीं पर भी है, अगर गोरखपुर में है, लखनऊ में है, चाहे आप दिल्ली से अगर नेपाल आ रहे हैं और नेपाल से अगर आप बुटवल से होते हुए जा रहे हैं, तो बुटवल में मैं आपको बोलूँगा एक रात रुके और इस केबल कार को जर्नी करें, क्योंकि इस केबल कार के जर्नी करने के बाद जब हम केबल कार को यूज़ करके ऊपर जाते हैं, हमको ऊपर दर्शन करने को मिलता है कामाख्या माता का मंदिर, और उस मंदिर के बारे में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, जो कि आपको मैं ऊपर जाके बताऊँगा। तो इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। But now I see what you teach, I do believe I always should have stayed, yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Friends, इससे पहले मैं एक केबल कार में गया था और उसमें मेरी कंडीशन ना, हमारे यहाँ पर भाई साहब है उनके जैसी ही थी। इन्होंने, अगर आपको मैं बताऊँ ना, इन्होंने 3 से 4 जगह पर इस पूरे कैबिन में जहाँ जहाँ उनको पता जगह मिल रहा है ना पकड़ने के लिए, वो पकड़ गए हैं। और इनफैक्ट मैं इस कैबिन में गोल गोल घूम रहा हूँ खड़े होकर, देखिए अभी भी मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल डर नहीं लगता है, आपको लगता है कि आप अपने टेरिस पर बैठे हों। और देखेंगे अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये बुटवल का फेमस मंदिर है, सिद्ध बाबा का मंदिर, ये एक शिव जी का मंदिर है और ये बहुत ही फेमस है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर कभी टाइम रहा तो मैं आपको उसका भी एक व्लॉग बना के दिखा दूंगा, पर फिलहाल तो मैं, और लकीली बोलूं या अनलकीली बोलूं, पूरा ओवरकास्ट है और ऐसा है ना कि हम अगर जो नीचे से अगर देखते हैं ना, तो हमको पहाड़ों का टॉप ना बादलों में ढका हुआ दिख रहा है, और इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लेवल पर हम लोग हैं अभी। अगर आप देखेंगे ना उस तरफ, देखिए पहाड़ पूरा ढका हुआ है और हम लोग एकदम पास में हैं, और वो देखिए ऊपर, हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपको बादल दिख रहा है। जैसे अभी हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इसका स्पीड स्लो हो गया है, लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। हमारे भाई साहब डर के मारे सफेद मुंह बना चुके हैं। रियली बहुत एकदम, बहुत ही एकदम स्मूथ स्लो स्पीड पे जा रही है। और देखिए हम अभी क्लाउड के अंदर जा रहे हैं, दिखाता हूँ अब हम, देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्लाउड के अंदर से, और वो वाली ट्रॉली है वो बादलों के ऊपर से आ रही है और हमारा रोप नहीं दिख रहा है, लिटरली हमारा रोप नहीं दिख रहा है और रियली हम लोग बादलों के ऊपर जाने वाले हैं। बार बार कान बंद हो रहे हैं और बार बार आपको कान अंदर से खोलना पड़ रहा है, और रियली थोड़ा सा अगर कमज़ोर दिल वाले आप हो तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, पर डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे जितने भी अब, मतलब एक गलत जो हो सकता है ऐसे रोपवे में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है इसमें।
in the dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in the dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो रोप वे का जर्नी था यहाँ पर ख़त्म होता है, पर ये हम ऊपर क्यों आए वो इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ ऊपर इसलिए आए हैं, यहाँ पर हम कामाख्या देवी माता का दर्शन करेंगे और वो दर्शन बहुत ही सुंदर है, मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि उस मंदिर के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको निकाल के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। फ्रेंड्स, किसी भी मंदिर की जानकारी ना किताबों में पढ़कर, इंटरनेट में सर्च कर नहीं मिलती है। अगर हम किसी पुराने प्राचीन मंदिर को, फेमस मंदिर के पास जाते हैं, तो ये हमेशा एक अच्छा तरीका रहता है कि वहाँ पर आप किसी पुरोहित से बात कर लें, ताकि आपको उस मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, सही जानकारी मिल पाए। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ के पुरोहित जी से बात करने वाला हूँ और पुरोहित जी आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि ये मंदिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ठीक है पंडित जी, थोड़ा सा बताइए आप इसके बारे में। जय माँ। ये मंदिर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। परापूर्व काल से इधर पूजा आदर चल रहा है। यहाँ का लोकल बासिंदा बोल रहे थे, इधर का पुस्तैनी 2-3 पुस्ता से आगे से ही इधर पूजा चल रहा था बोल रहे थे। अच्छा, तो ये मंदिर पहले से था, स्ट्रक्चर बाद में बना? जी, पहले से ही था ये मंदिर। जैसे केबल कार बना, केबल कार वाला कंपनी लोग पब्लिक के लिए ये मंदिर को रिनोवेशन कर दिए। और केबल कार ने भी अगर यहाँ पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस मंदिर की क्या बोल सकते हैं आप, मान्यता इतनी ज्यादा है तभी तो। और क्योंकि अगर केबल कार नहीं था तो लोगों को भी तकलीफ होती थी यहाँ पहुँचने के लिए। एक्चुअली ये मंदिर क्या है, ये सिर्फ 2 मंदिर है, एक गुवाहाटी में है, ये मंदिर एक गुवाहाटी में है और एक इधर है नेपाल में, ये यहाँ पर ओनली है। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर, और दूसरा कोई भी तीसरा मंदिर नहीं है। अच्छा, और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और कामाख्या माता की आराधना का क्या महत्व अगर अगर बताएं लोगों को? एक्चुअली ये माँ का मतलब क्या है, मन का इच्छा आकांक्षा पूरा करने वाली माँ है। ओके, सी इज अ बिलव्ड मदर, वी कैन से दैट वे आल्सो। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप इस मंदिर में आए खुले मन से, सच्चे दिल से, अगर आप कुछ मांगेंगे माँ से, ये तुरंत पूरा कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, पंडित जी के का मोबाइल कुछ ज़्यादा ही बज रहा था, तो फिलहाल उन्होंने जो मंदिर के महत्व बताई, इस मंदिर के महत्व काफ़ी ज़्यादा है। मंदिर का स्ट्रक्चर भर ही अभी नया है, और मंदिर यहाँ पर कितने साल से है, कितने 100 साल से है, इसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो ये बताते हैं कि मंदिर पुश्तों से यहाँ पर है, क्योंकि कई पुश्त यहाँ पर मंदिर को होने का दावा करती है। तो दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही मान्य है, और अगर आप यहाँ पर हैं, नेपाल में आए हुए हैं और बुटोल के रास्ते जा रहे हैं, तो बुटोल में एक रात रुकिए, मंदिर के दर्शन करिए, बुटोल नगरी को देखिए। बुटोल नगरी काफ़ी सुंदर है। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर एक काफ़ी ऊंचे पहाड़ के ऊपर है, और ये जो आप फॉगी जैसा माहौल देख रहे हैं, ये फॉग नहीं है, ये क्लाउड है। और हम मंदिर, ये जो मंदिर है काफ़ी ऊंचाई में है, और ये मंदिर काफ़ी सुंदर है। रियली एक बहुत ही सुकून मिलता है, एक शांति है इस मंदिर में। माहौल यहाँ पर बहुत ही खुशनुमा माहौल है, आध्यात्मिक भरा माहौल है, और रियली
और रियली यहाँ पर आने के बाद नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है और ऊपर कहते हैं कि ऊपर जब आते हैं पहाड़ों के इस मंदिर के ऊपर तो नीचे से लेकर कम से कम 12 से 15 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है, 10 से 15 मान सकते हैं जो डिग्री टेम्परेचर में फ़र्क है। सो फ्रेंड्स, अगर मंदिर दर्शन करने के बाद आपको भूख लग जाए या आपको किसी भी खाने की आइटम की ज़रूरत पड़ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैंटीन भी है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है, यहाँ पर रेट्स रीजनेबल हैं। आप जब आएंगे मेनू चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो रेट्स चेंज हो सकते हैं। तो ये पीछे आप देखेंगे यहाँ का पूरा ये जो है एक कैंटीन जैसा आप समझ सकते हैं, जो यहाँ पर सारा कुछ आपको खाने को मिल जाएगा। और जो व्यूज़ हैं, आपको मेरे आसपास काफ़ी सारे क्लाउड्स दिख रहे होंगे, पहाड़ हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ लास्ट टाइम, ये अगर आप देखेंगे पूरे क्लाउड्स हैं चारों तरफ और यहाँ व्यू काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, इसके साथ अब मेरा आपसे विदा लेने का समय हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें। Bye bye, take care. 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that